सुप्रीम कोर्ट के चार जज के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ बगावती तेवर अपनाने के बाद चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने भी इस मामले में अपना पक्ष रखा है। सूत्रों के मुताबिक चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सब जज बराबर हैं और स्वतंत्र माने जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा आज इस मामले पर बात करने और हल निकालने के लिए बागी जजों के साथ बैठक बुला सकते हैं। दीपक मिश्रा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सभी केसों का सही बंटवारा होता है। गौरतलब है कि शुक्रवार सुबह देश में पहली बार न्यायपालिका में असाधारण स्थिति देखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों ने मीडिया को संबोधित किया। चीफ जस्टिस के बाद दूसरे सबसे सीनियर जज जस्टिस चेलमेश्वर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कभी कभी होता है कि देश में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था भी बदल जाती है। सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, अगर ऐसा चलता रहा तो लोकतांत्रिक परिस्थिति ठीक नहीं रहेगी। उन्होंने कहा था कि हमने इस मुद्दे पर चीफ जस्टिस से बात की, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। चारों जजों ने कहा कि अगर हमने देश के सामने ये बातें नहीं रखी और हम नहीं बोले तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। उधर सियासतदान भी इस मामले में कूदने से पीछे नहीं रहे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि चारों जजों का आरोप बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि जो मुद्दे चार जजों ने उठाए हैं वो अहम हैं। उन्होंने लोकतंत्र के खतरे की बात की, जिसे देखना होगा। जो सवाल उन्होंने उठाए हैं वो बहुत जरूरी हैं, इन्हें ध्यान से देखा जाना चाहिए। अबाउट जज लॉयर्स केस, आई थिंक दैट इज आल्सो समथिंग दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपर्ली। इट नीड्स टू बी लुक्ड एट फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल टू द सुप्रीम कोर्ट। दिस टाइप ऑफ थिंग हैज नेवर हैपेंड बिफोर, इट्स अनप्रेसिडेंटेड। And I think all citizens who love the idea of justice, who believe in the Supreme Court, are looking at this issue. And I think it's important that it's addressed. कुल मिलाकर देखा जाए तो आज इस बात पर निगाह टिकी होगी कि ये विवाद कैसे सुलझता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN.